शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये देखिए, मैंने गलत नहीं कहा। इतनी छोटी छोटी बातें अभी तक आपको याद है? इसीलिए तो कहता हूँ कि आप पूनम का पता लगाइए। लेकिन प्राण साहब, जिसने मेरी फोटो मिसेज इंद्रानी को दी थी वो औरत नहीं, मर्द था। मिस्टर सूरज, इत्तला देने वाले ने आपको गुमराह करने की कोशिश की है। खैर, फिर भी आप सोच लीजिए। हाँ, अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे टेलीफोन कर दीजिए। मुझे आपकी मदद करके बड़ी खुशी होगी। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड बाय। मिसेस इंद्रानी, क्या यह सच है कि सेठ राजकिशोर को कत्ल करने में पूनम का हाथ था? हाँ सच है। क्यों? क्योंकि वो हमारी शादी से खुश नहीं थी। आज जितने इल्जाम आप मुझ पर लगा रहे हैं वो दरअसल पूनम पर लगने चाहिए। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। क्या आप भूल गई कि जहाँ से माल लाने के लिए आपने मुझे भेजा था? मैंने आपको जहाज पर? जी हाँ, आपने मुझको जहाज पर। वो पूनम ने भेजा होगा। कैसे? मेरा भेद बदल कर और चेहरा भी। मिसेस इंद्रानी, अब आपकी चालाकियां किसी काम न आएंगी। दुनिया की नजरों में आप इंतहाई शरीफ औरत है, लेकिन आपकी हकीकत मैं जानता हूँ। आपने एक शरीफ आदमी को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा कर उससे शादी की और उसकी सारी जायदाद अपने नाम लिखवा कर उसे झील में डुबो दिया। लेकिन मैं जानता हूँ कि अब तक वो तुम्हारी कैद के नरक में मरने की दुआएं मांग रहा है। झूठ है। लोग तुम्हें देवी समझते हैं क्योंकि तुम मंदिरों और स्कूलों के लिए लाखों रुपया दान करती हो, लेकिन तुम ऐसे होटलों की मालिक हो जहाँ दिन रात गुनाह पलते हैं जो समाज के जिस्म पर खिलौने जख्मों की तरह। मिसेस इंद्रानी, तुम उन लोगों में से हो जिनका कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई मुल्क नहीं और जिनके लिए किसी की जान की कोई कीमत नहीं। Thank you.
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सूरज, तुमने मुल्क और कौम की बहुत खिदमत की है। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। छोड़ दीजिए, वो हम लोगों की नकली गिरे। छोड़ दो, तुम्हारी माँ का फोन आया था, तुम्हारा इंतजार कर रही। अच्छा सर, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। हमारे गिरफ्तार कराए हुए मुजरिम को छोड़ने की जुगत आप नहीं करते क्या? आप लोग है बहुत बड़े जासूस हैं। अभी उस जॉनी ज्वेलरी को पकड़ाने वाले हम ही थे, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोगों ने जासूसी की किसी गलत स्कूल में चुनी। ऐसी ट्रेनिंग क्या होती है? हमको जासूसी के खुद कॉलेज है। कॉलेज है भाई, जब तक बाहर निकलो। देखो कौन आया है। पूनम, तुम लोग बातें करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। आई एम ऑल्सो वेरी सॉरी। मैं भी तुम्हें असलियत नहीं बता सका, लेकिन पूनम एक बात मेरे समझ में नहीं आती। क्या तुम्हें मुझसे जिंदा है कि ईश्वर पर चलने की क्या जरूरत थी? अपने पापा की जिंदगी बचाने के लिए। तुम्हारे पापा? हाँ। लेकिन उनका स्वर्ग बस हुए तो 7 साल हो गए। दुनिया यही समझती है। मतलब सूरज, मेरे पापा जिंदा है। क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ सूरज, मैं उनसे एक बार मिली भी थी। मगर वो है कहाँ? मम्मी की कैद में, उन्हें किसी नामालूम जगह पर रखा गया। ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मम्मी के डर से। मुझसे कहा गया था कि अगर मैंने इस बारे में किसी को कुछ भी बताया तो वो लोग उन्हें सचमुच मार डालेंगे। तब मैं सिर्फ अपनी जबान ही बंद करने पर मजबूर न हुई, मुझे उन लोगों की हर बात माननी पड़ी। उन लोगों की हर बात माननी पड़ी? उन लोगों से क्या मतलब है तुम्हारा? मम्मी के इन सारे गुनाहों के पीछे एक और शख्स था जिसके इशारों पर मम्मी खुद नाचती थी। कौन है? क्या तुमने उस शख्स को कभी देखा है? हाँ, जब तुम जहाज से माल उतारने जा चुके थे तब उसी शख्स ने तुम्हारा फोटो मम्मी को दिया था। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मिसेस इंद्रानी के पीछे कोई जबरदस्त दिमाग काम कर रहा है, और अगर उस शख्स को पकड़ा ना गया तब तक मेरी सारी कोशिश बेकार हो जाएगी। हेलो, कौन? मैं एडवोकेट प्राण बोल रहा हूँ। नमस्ते, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वाकई में आप जैसे बहादुर आदमियों की सीआईडी डिपार्टमेंट को बहुत जरूरत है। प्राण साहब, मैं आप ही के बारे में सोच रहा था, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम है। जरूरी काम है इस वक्त? आप तशरीफ ले आइए, मैं घर पर ही हूँ, आपका इंतजार करूंगा। ओके, मैं अभी आ रहा हूँ। सूरज, किसका फोन था? एडवोकेट मिस्टर प्राण का। शायद तुम नहीं जानते कि हमारे शहर के बहुत बड़े वकील हैं। तुम्हारे पापा का मर्डर केस भी इन्हीं के पास था। अगर तुम्हारे पापा जिंदा है तो मिस्टर प्राण।
मैं चित्रांत से मिलना चाहता हूँ। आपका नाम मिस्टर सूरज है? जी हाँ। तो जाइए, आप ही का इंतजार कर। कम इन। हेलो कांत सर, आइए मिस्टर सूरज। आज तो सब अखबारों में आपका ही चर्चा होगा, आपने पुलिस डिपार्टमेंट का कर्मचारी कर लिया। मुझे भी अपने जवानी के दिन याद आ गए। लीजिए। नो थैंक्स, मैं नहीं पीता। प्रांत साहब, आपको तो हम आज भी याद करते हैं, लेकिन मिसेस इंद्राणी के बारे में आपका क्या ख्याल है? उनके बारे में यकीन से तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि कल तक जो औरत इतनी शरीफ समझी जाती थी, आज भी इतनी खतरनाक कैसे साबित हो सकती है? आखिर आप उन्हें पर्दे से बाहर कैसे ले आए? अभी तक वो पूरी तरह से पर्दे के बाहर नहीं आई। क्या मतलब? मुझे पर्दे के पीछे मिसेस इंद्राणी के अलावा और एक चेहरा नजर आ रहा है। कौन? अब तक उसे किसी ने देखा नहीं। ये आप कैसे कह सकते? मैं और भी बहुत कुछ कह सकता हूँ प्रांत साहब। आज से 7 साल पहले सेठ राजकिशोर का जो कत्ल हुआ था, दरअसल वो एक फ्रॉड था। क्या? कत्ल हुआ ही नहीं था, सेठ राजकिशोर अभी तक जिंदा है। इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन। एक मरे हुए आदमी के बारे में 7 बरस के बाद ये कहना कि वो अभी तक जिंदा है, सरासर हिमाकत है। इसे साबित करना मेरा काम है प्रांत साहब, मैं इसी सिलसिले में आपके पास आया। मुझे पुराने केस का कोई ऐसा सुराग चाहिए जिसके दबाव से मिसेस इंद्राणी कहे थे कि उसकी पार्टी का लीडर कौन है। आखिर वो कौन हो सकता है? जब मिसेस इंद्राणी मुझे जहाज से माल लाने के लिए भेजा था, तब उसी शख्स ने मेरी फोटो उसे लाकर दी थी। किसी ने उसे देखा था? जिसने उसे देखा था उसी ने मुझे बताया। फिर तो उसका पता लगाना चाहिए। किसका? मेरा मतलब है पार्टी के लीडर। और किसका? यहाँ आने से पहले आपके साथ और कौन था? मैं अपनी माँ से बातें कर रहा था, तभी आपका फोन आया था। वो तो आप अच्छी तरह जानती हैं। जी हाँ, लेकिन अब आप जाएंगे कहाँ? जी पुलिस हेडक्वार्टर। इस वक्त? जी हाँ, मिसेस इंद्राणी से किसी न किसी तरह कहलवाना होगा कि उसकी पार्टी का लीडर कौन है। आपका क्या ख्याल है कि वो इतनी आसानी से बता देंगे? प्रांत साहब, आखिर वो औरत है, कब तक नहीं बताएंगे। तो चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। जरूर आइए। चलिए। माफ कीजिएगा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। आज से 7 साल पहले जब आपकी शादी। आपको मेरी शादी से क्या मतलब? मिसेस इंद्राणी, मुझे यकीन है इस जुर्म में आपके साथ और भी कोई शरीक। मैंने कोई जुर्म नहीं किया और मेरा कोई साथी नहीं। आप झूठ कह रही है। इन्हें तो आप जरूर जानते होंगे, जब आपके पति झील में डूब गए थे और लोगों ने आप पर शक किया था, उस वक्त इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी। आज मिसेस इंद्राणी को इस हालत में देखकर मुझे आज से 7 साल पहले की मिसेस इंद्राणी याद आ रही। तब भी इनके माथे पर इसी तरह पसीना था और मैंने कहा था कि घबराओ, और आज भी इन्हें देखकर बेसाहता मेरे मुंह से वही अल्फाज निकलना चाहते हैं, घबराओ। तब की बात कुछ और थी प्रांत साहब, इस केस में इनका बचना बहुत मुश्किल है। मैं आपसे सिर्फ एक फेवर चाहता हूँ, अगर इस केस का फैलाव आज से 7 साल था मिस्टर सूरज, मैंने तमाम फाइलें देखी, एक सुराग मिलता है, शायद वो इस मामले पर कुछ रोशनी डाल सके। उन दिनों जब इन पर मुकदमा चलाया जा रहा था, तो इन्होंने कहा था कि इनके पति के कत्ल की साजिश में इनकी सौतेली बेटी पूनम का हाथ, लेकिन बाद में कोई सबूत ना मिल सका। अब देखना तो यह है कि पूनम के ताल्लुकात किस आदमी के साथ, हो सकता है कि वही आदमी इस मामले में शरीक हो। ये बिल्कुल नामुमकिन है प्रांत साहब। कमाल, एक इंटेलिजेंट ऑफिसर होकर भी आप नामुमकिन जैसे लफ्ज को इतनी अहमियत देते हैं। मुझे केस की एक एक बात याद, यहाँ तक याद कि मिसेस इंद्राणी को कश्ती के हादसे में थोड़ी के नीचे चोट लगी थी और जिसका निशान अदालत में दिखाया गया। मेरा ख्याल है कि वो निशान शायद तक भी हो। इतनी छोटी छोटी बातें अभी तक आपको याद है? इसीलिए तो कहता हूँ कि आप पूनम का पता लगाइए। लेकिन प्रांत साहब, जिसने मेरी फोटो मिसेस इंद्राणी को दी थी वो औरत नहीं मर्द था। मिस्टर सूरज,
इत्तला देने वाले ने आपको गुमराह करने की कोशिश की है। खैर फिर भी आप सोच लीजिए। हाँ अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे टेलीफोन कर दीजिए, मुझे आपकी मदद करके बड़ी खुशी होगी। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड बाय। मिसेस इंदिरा ने क्या यह सच है कि सेठ राजकिशोर को कत्ल करने में पूनम का हाथ था? हाँ सच है। क्यों? क्योंकि वो हमारी शादी से खुश नहीं थी। आज जितने इल्जाम आप मुझ पर लगा रहे हैं वो दरअसल पूनम पर लगने चाहिए। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। क्या आप भूल गई कि जहाँ से माल लाने के लिए आपने मुझे भेजा था? मैंने आपको जहाज पर? जी हाँ, आपने मुझको जहाज पर। वो पूनम ने भेजा होगा। कैसे? मेरा भेद बदल कर। और चेहरा भी। मिसेस इंदिरा, अब आपकी चालाकियां किसी काम न आएंगी। दुनिया की नजरों में आप इंतहाई शरीफ औरत है, लेकिन आपकी हकीकत मैं जानता हूँ। आपने एक शरीफ आदमी को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा कर उससे शादी की और उसकी सारी जायदाद अपने नाम लिखवा कर उसे झील में डुबो दिया। लेकिन मैं जानता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि अब तक वो तुम्हारी कैद के नरक में मरने की दुआएं मांग रहा है। झूठ है। लोग तुम्हें देवी समझते हैं क्योंकि तुम मंदिरों और स्कूलों के लिए लाखों रुपया दान करती हो, लेकिन तुम ऐसे होटलों की मालिक हो जहाँ दिन रात गुनाह पलते हैं जो समाज के जिस्म पर खिलौने जख्मों की तरह। मिसेस इंद्राणी, तुम उन लोगों में से हो जिनका कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई मुल्क नहीं और जिनके लिए किसी की जान की कोई कीमत नहीं। फांसी का तख्ता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब तुम्हें एहसास हुआ कि इंसानी जिंदगी की कीमत क्या होती है? जब तुम्हारे इशारों पर बेगुनाह लोगों को गोली से उड़ाया गया, बच्चों को यतीम किया, औरतों को बेवा बनाया गया, तब तुम्हें इस बात का एहसास क्यों नहीं हुआ? ये कानून की गिरफ्त है और तुम इससे बच नहीं सकती। अब तुम्हारे बचने का एक ही रास्ता है कि तुम मुझे उस शख्स का नाम बता दो जो तुम्हें गुनाहों के उस रास्ते पर ले गया था और जिसने तुम्हें फांसी के मोड़ पर लाकर छोड़ दिया है। अगर तुम्हें बचना है तो बता दो उसका नाम। बता दो, बता दो, बताओ, बताओ, जल्दी बताओ, बताओ। साहब ये तुम्हारी है। अब मेरी वकालत के भी जौहर देखिए। सूरज खुद ही अपने जाल में फंस गया। चेक मिसेज इंद्राणी की तरफ से कोर्ट में मेरा नाम अपील के तौर पर पेश कर दो। यस बॉस।